आप इनको माइक दो, ये टेस्टिमनी मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम छोटे लाल है। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यूपी सुल्तानपुर के रहने वाले। सुल्तानपुर कहाँ के? यूपी। सुल्तानपुर में कहाँ? अलीगंज बाजार। ओके, और यहाँ आप जलंधर में रहते हैं? हाँ जी। आपका नाम क्या है? राम रति। कितने साल से जलंधर में रह रहे हैं? तो काफी देर हो गया। कितना देर होगा? 25 साल। हाँ जी। शादी के बाद आए थे यहाँ? हाँ जी। शादी के बाद आप यहीं ले आए थे इनको? हाँ जी। और आप यहीं काम करते होंगे? हाँ जी। और शादी के बाद इनको ले आए? हाँ जी। शादी वहाँ की थी सुल्तानपुर? हाँ जी पापा जी। इनका गांव कौन सा है? इनका गांव बेला पश्चिम। वो कहाँ है? वो अलीगंज बाजार के पास, मतलब वही सुल्तानपुर में ही। हाँ जी। ओके, आपकी शादी हुई 1995 में? हाँ जी। और आपकी उम्र कितनी है अभी? इनका चेहरा जूम करो भाई का। कितने साल उम्र हो गई? 54 साल। 1995 में, 1995 के बाद जो पैदा हुए, हाथ खड़ा करना, हिलाओ हाथों को जरा। ये आपके आपके पैदा होने से पहले की टेस्टिमनी है, अब ध्यान से सुनना। मैरिज के बाद बेबी नहीं हुआ, 95 में मैरिज हुई। अच्छा, आपके जब बेबी नहीं हुआ, 95 में मैरिज की, आप में तो जो होता है कि बच्चे भी ज्यादा होते हैं। हाँ, और जब बच्चे ना हो तो फिर तो बहुत ही दिक्कत है। हाँ जी पापा। आप गवाही दो, जब बच्चे नहीं हो रहे थे क्या हुआ आपकी लाइफ में? क्या लोग बोलते थे, घर वाले क्या बोलते थे, कैसे आपने 25 साल गुजारे बिना बच्चे? पापा जी, बहुत शर्मिंदगी के साथ हम गुजारे हैं। जहाँ भी रहते थे हमारी बहुत बेइज्जती होती थी, ताने मारते थे लोग, हम हमारी पत्नी को ताने मारते थे, ये रोती रहती थी, एक बोलती कि हमें छोड़ दो, मैंने बच्चा नहीं हो रहा हमारे, दूसरी शादी कर लो। हम कहा नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, जैसे है वैसे चलने दो, कभी तो परमात्मा हमको देगा। सुनो ध्यान से, सुनो अपनी वाइफ को माइक दो। क्या बोलते थे लोग आपको, क्या आपकी जिंदगी कैसे, जब आप बोलते थे इनको दूसरी शादी कर लो? हमारी पत्नी बोलती थी। तो बहुत मारते थे सब लोग हमको, कहते कि जो ना इनके बच्चा नहीं है, ये सब लोग बहुत बोल बातें बोलते थे हमको। आपकी शर्मिंदगी। और आप किसी भी रिश्तेदार के फंक्शन में नहीं जाते थे, शादी ब्याह में नहीं जाते? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते थे? शर्मिंदगी होती थी, सबके बच्चे रहते थे। हाँ। जाने पे लोग पूछते थे कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। और आपके आपके तरफ जो आप जब हमारे सभी यूपी के जो भाई हैं, हाँ जी, वो तो 20 साल में शादी कर लेते हैं। हाँ जी। क्योंकि आपकी अगर 54 साल उम्र है, इसका मतलब आपकी कितने 29 साल में शादी हो गया? हाँ जी, शादी तो हुई थी पहले, मैंने आना जाना 95 से हुआ है। अच्छा ठीक है। और आप लोगों में शादी कितनी उम्र में कर देते हैं, लड़का लड़की? पहले तो बचपन में कर देते थे, अब कितनी उम्र में? 20-25 साल। 20-25 साल में हो जाती है। हो जाती है। हाँ जी। अगर आपके आपके जो भाई बंधु होंगे, हाँ जी, उनके तो पोते भी हो चुके? हाँ जी, मेरे बड़े भाई के पोते हैं, पोते के पोते हैं। कितने उम्र के हैं पोते उनके? 25-26 साल के होंगे। उसका पोता 25 साल का है? हाँ जी। आपके बड़े भाई का पोता 25 साल का है? हाँ जी। मेरा भतीजा जो बड़ा है, मेरी शादी के माने तकरीबन वो हुआ था उसी समय में। आपका भतीजा 25 साल का भी है? हाँ जी। नहीं, ज्यादा है, 25 साल। 25 साल से भी ज्यादा है? हाँ जी। और आपके बच्चे, उसके 3 लड़के हैं, उसके लड़के के लड़के हैं। आपके भतीजे के लड़के के भी आगे बच्चे हो गए हैं? हाँ जी। और आप अब्राहम को देख रहे हो, आज के अब्राहम को। आपको चर्च के बारे में, आप किसी हॉस्पिटल में गए थे? हाँ जी। क्या करने गए थे? दवाई लेने गई थी। किसके लिए दवाई लेने? बच्चे की दवाई के लिए जाते थे। आप हॉस्पिटल में अभी भी इलाज, कितने डॉक्टर बदले आज तक? बहुत बदले जी पापा जी। कितने? जो मैंने जहाँ को बताता था वहीं जाते थे, कम से कम 10-12 डॉक्टर। सरनजीत हॉस्पिटल में बहुत मैं इलाज। अच्छा, कोई बात नहीं, डॉक्टर बहुत बदले। हाँ, जब आप हॉस्पिटल में गए, आपका वहाँ इलाज चल रहा था। हाँ, क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे एक सिस्टर, मधु सिस्टर थी, वो बैठी बाइबल पढ़ रही थी, तो घर वाली देखी उसको, तो बोली कि आप चर्च में जाते? बोले हाँ। आपको कैसे पता? तो बोली कि बाइबल हमारे घर में है और हम आप बाइबल पढ़ रहे हैं। तो बोलती हाँ बाइबल पढ़ रहे हैं, चलना है पापा जी के यहाँ, चलो। तो हम फिर वही लेके आई हमको। अच्छा, वो आपको यहाँ पे लेके आई? हाँ जी।
अच्छा, उसके बाद आपने लिखा 17 नवंबर 2019 को आपका वाइट गार्ड बन के प्रार्थना हुआ। हाँ जी, 17 नवंबर 2019 को। हाँ जी, ठीक है, उस वीडियो को हम देखेंगे। अच्छा करता हूं ना, मैं क्लिप लेता हूं तो कौन यकीन करेगा। अच्छा, जब आपने प्रार्थना करवा के आप गए, क्या हुआ आपके साथ? गए तो उसके बाद फिर दो तीन महीने बाद प्रेग्नेंट हुई। नहीं, आपने लिखा कि सपने में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ पापा जी, आप सपने में आए हमारे पत्नी के। सुनो, जब ये ले हैंड करवा के गए, इन्होंने लिखा आपके सपने में। हाँ पापा जी, आप आए, मैं आपके ले हैंड किया। हाँ, वो दूध था परमेश्वर का। हाँ जी, और आपको वर्ड्स दिया कि आपके जल्दी बेबी हो जाएगा। हाँ जी, और सपने के तुरंत बाद जब आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया। हाँ जी, तो ये प्रेग्नेंट थी। हाँ जी, हाँ। नहीं नहीं, ये टेस्टिमनी ऐसे नहीं। सुनो, देखिए, आप वाइफ को भेज, मम्मा को भेजना, आ जाओ इधर, आ जाओ। सुनो मेरी बात, 25 साल, कितने साल, और कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं। नाम नहीं हम लेंगे डॉक्टर्स का, क्योंकि डॉक्टर्स परमेश्वर की ओर से हैं। लेकिन परमेश्वर अगर डॉक्टर से जवाब ना दे, इसका मतलब उसका प्लान बड़ा है आपकी लाइफ में। हाँ, हाँ या ना? अच्छा, बेबी को दिखाना। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ आइए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप में से कौन मेडिकल फील्ड में है? कौन आप में से है कोई यहाँ बैठा? बेबीज दिखाना आपने, ये वाला बेबी भी दिखा। बेबी बॉय दोनों? दोनों दोनों लड़के। जी, जी पापा। अरे एक लड़की भी चाहिए भाई, क्या करें। कैसे, अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताओ। 54 साल की उम्र में, जहां आपके वहां तो पोते खिलाने की उम्र होती, कैसा लग रहा है बच्चा अपना पकड़ के? बहुत खुशी है पापा जी, बहुत खुशी है। अभी अभी रिश्तेदार मिले थे? रिश्तेदार अभी तो नहीं, इग्नोर कर दिया होगा उन्होंने, बोलेंगे गालियां पड़ेंगे अगर जाएंगे तो। आपने बपतिस्मा लिया मैंने सुना। हाँ जी, हाँ जी, आपको बताया गया कि बपतिस्मा लो। हाँ जी, और आपने बैप्टिज्म लिया। हाँ जी, तीसरे महीने ले लिया जब आना चालू हुआ के। और कई बार क्या प्रॉब्लम है, जब कोई अन्य जातियों में से परदेसी बाबू, कोई दूसरा अन्य जाति आता है, वो देखता अच्छा हो गया 6 महीने, अभी तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, हमारा भी मन यही करता था। हाँ, यहाँ पे आते थे तो बैठ, और आपने बपतिस्मा लिया। हाँ, हाँ बपतिस्मा लिया, और फिर भी आते थे यहाँ पे तो बैठते थे तो रोते थे, उसके बाद मन में होता था कि कुछ नहीं होना है, तो फिर भी एक मन कहता नहीं मिलेगा, सबको मिल रहा, हमें मिलेगा जरूर। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपके दिल में हो कि कुछ नहीं होना, इससे कोई मतलब नहीं। आपके कर्म चेक किए जाते हैं, आप चर्च में हो या नहीं। आपको क्या लगता है, मेरी लाइफ में जितनी टेस्टिमनीज हीलिंग्स हुई हैं, मेरे को लगता था मैं हो जाऊंगा? मैं कह रहा हूं, मेरे को 99.99% लगता था कि मेरा काम नहीं होगा। मैं कह रहा हूं आपको, जो आपके लिए प्रार्थना करता है वो इंसान कह रहा है कि मेरा ये हाल था कि मेरे को लगता था कि ये काम मेरा नहीं होगा। लेकिन दिल को क्या लगता है, कोई मतलब नहीं। मेरे कर्म जो थे, मैं चर्च में था, सेवा में था, बोने में था, हर काम में था, वो चेक होता है, ना कि आपके दिल में क्या है। हालेलुया। आपके दिल में जो है, अगर आप उसके चलते चर्च जाना बंद कर दें, वचन पढ़ना बंद कर दें, तब वो पाप है। दिमागी शक पाप नहीं, जब तक आप उस पर काम करना ना शुरू करें।
हालेलुया। 54 साल दिखाना इस भाई को, जब पोता खिलाने की उम्र है, ये अपने जुड़वा ब्लेसिंग को लेके खड़ा है। हाँ, और मेरे को नहीं लगता कि यहां अगर कोई कपल है जिसके पास बेबी नहीं, आज आपके लिए रिसीविंग का टाइम है यीशु मसीह। आज मैंने कहा ग्रहण करने का टाइम है यीशु मसीह के नाम। ओ आमीन, ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। मैं इनको जानबूझ के लेके आया हूं आपके बीच में ताकि आप रिसीव कर सके। आपने अब्राहम की स्टोरीज तो बहुत सुनी है, पर खामरा में उन स्टोरीज को हम प्रूफ होता देखते हैं अपनी आंखों के सामने। हम उस परमेश्वर की बात नहीं करते जो सिर्फ किताबों में लिखा रहता है, उसने ये किया था, उसने वो किया था। हम आज के खुदा की बात करते हैं, आज वो क्या कर सकता है हमारी लाइफ। नाम रखे इनके? हाँ जी। अच्छा, बड़े का विश्वास नाम है, छोटे का आनंद। अरे क्या बात है, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से। आनंद आया कि नहीं, विश्वास बढ़ा कि नहीं? पूछो पड़ोसी, बोलो विश्वास बढ़ा कि नहीं, आनंद आया कि नहीं? बोलो दोनों आए, माँ बाप ने पकड़े हुए हैं। हालेलुया। आज के अब्राहम की मैं बात कर रहा हूं। मैंने आपको एक सिस्टम बताया था कि अब्राहम 125 साल जिया, तो अगर उसको 100 साल में मिला, आधे में मिला ना तकरीबन। आज इंसान की उम्र कितनी है? 70, 80, 90 है ना, प्रभु में जो होगा अच्छा तो 100, 110, 55 साल हो गई, 54 साल। अब्राहम है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? अब मेरे को यह बताओ, कौन इसको गलत प्रूफ कर सकता है? इसलिए मैंने पूछा कहां से हो? सुल्तानपुर? नहीं, सुल्तानपुर कहां से हो? किस मोहल्ले से हो? किस नगर से हो? झूठी गवाहियां 2 दिन खरीद सकते हो, 4 दिन खरीद सकते हो, 16 साल हो गए, 16 साल नहीं खरीद सकते आप। अपने हाथों को उठा के चिल्ला के बोलो मैं ग्रहण करता हूं, अपनी गवाही मैं ग्रहण करती हूं, ग्रहण करता हूं। जोर से बोलो, 7 बार बोलो, मैं अपनी गवाही को ग्रहण करता हूं, ग्रहण करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अभी वेट करके जाना, इनको मैंने गिफ्ट देने हैं, इनको खिलौने देने हैं, कपड़े देने हैं, इसको मोटा करना है दोनों को। हाँ, तारीफ करो जोर से।